नमस्कार, सत्य सकाळ को स्वागत करछी। मो कमलाकांत मो सहित अच्छा। नमस्कार, मो माधुरी। तो आज भी आम खबरकगज किसी चर्चित खबर को नहीं आलोचना करवा। ग्राउंड रू आम सहित रिपोर्टर जोड़ी हे, अधिक आनालीसीस करवा। द्वितीय पर्यायर माधुरी आम सहित अतिथि जोड़ी हे। तेज जदि आज देखा विभिन्न खबरकगज भुवनेश्वर जयपुर को विमान सेवा आरंभ हो प्रमुखतार सह विभिन्न खबरकगज स्थान देखते। राजधानी चांचल्य पुओ स्त्री को तंटी चिपी हत्या करथिबा खबर को प्राय समस्ते प्रथम पेज रे स्थान देपर। जदि देखा श्रीमंदिर कथा भी 190 कोटी बजेट कथा पई मध्ये जो कथा आपण कहतले जे बजेट मध्ये घोषणा करा जाय छे से खबर मध्ये प्रकाश पाई छे। अन्य एक खबर पर जदि आसीबा प्रशासन रो खेल एवं रोगी को काल जन औषधी रे औषध नाही विभिन्न महल रे असंतोष प्रकाश पाउछे। ए खबर मध्ये प्रकाश पाई छे ताकुने मध्ये आमे विस्तृत भाबे आलोचना करिवो। परिवहन ठिकादा नियुक्ति रे फिक्सिंग किभळी फिक्सिंग अभियोग आसुछे से खबर को नहीं मध्ये आमे आलोचना करिवो। जो खबर जाजपुर रो आसीछे। अन्य एक खबर मध्ये रहिछि आमे प्रतिदिन किछिटा मौलिक समस्या मध्ये दर्शकों को देखाइ थाउ एवं लोके आज भी किभळी मौलिक सुविधा रो वंचित अछन्ते से खबर उपरे आमे मध्ये आलोचना करिथाउ थाउ बा आलोकपात करिथाउ। आज मध्ये सेभळी एक खबर रहिछि एबे भी चुआपाणी उपरे लोके भरोसा करुछन्ते। पानीय जल प्रकल्प अधारे रही जाइछि एवं मेगा प्रकल्प निर्माण को प्रतिश्रुति देते बारंबार आम देखीचु जो मैंने विभागीय अधिकारी था प्रतिश्रुति दिखते किंतु परवर्त समय कौन से फलप्रद हो न था जो साधारण जनता हईराण हरकत हमें एभली अनेक कि खबर को नहीं आम आलोचना करवा। कितु कमलाकांत आप जो कथा कहते भुवनेश्वर जयपुर को उड़ीला विमान प्रथम तो आम देखू जे ओडिया पुओ केन्द्रमंत्री ओडिया पुओ जिते प्रति समय से ओडिशा को गुरुत्व दे था किशावासी मैंने सुविधा सुजोग पाए ओडिशावासी कि सबकि स्थान आम देखीचु कि उपयोगी पाई से नहीं आम आलोचना कर सब से से सबुबले किंतु वर्तमान मध्य आम से खबर को प्रथम खबर भाव आम आलोचना करवा। जे भुवनेश्वर जयपुर को उड़ीला विमान एवं डिसेंबर सीधा गोआ को उड़ब तेज मंदिर मालिनी भुवनेश्वर राजस्थान गोलापी सहर जयपुर को उड़ीला विमान मंगलवार इंडिगो एयरलाइंस पक्षर यह विमान सेवा आरंभ हो। भुवनेश्वर जयपुर मध्य सप्ताह तीन दिन यह विमान चलाचल आरंभ कर। आउ एक भल खबर है आसंता डिसेंबर पहलू भुवनेश्वर सीधासलख गोआ को उड़ब विमान यह ओडिशा अधिक रु अधिक पर्यटकों आकर्षित करी आशा कर। माधुरी चिन्मय साहू भुवनेश्वर अधिक आलोचना जोड़ी चिन्मय वर्तमान पिंक सिटी एवं जो स्मार्ट सिटी रही अधिक निकट रही गोआ भी एवं बेस दूर नुहे जो मैंने खास करके बुलाबूली करने चाहते खास कर विदेश भी जो मैंने आसा गोटे भल खबर आस करके ओडिशावासी यहाँ गोटे बड़ खबर यहाँ एतब संभव हो पार्चे जो केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देखिए पूर्व चिठी लिखी और अनुरोध को रक्षा करते बेसामरिक जो मंत्री रही ज्योतिरादित्य सिंधिया से कथा को रखी थे और शेष में गत काली शुभारंभ कर कि देखुं आपण भी चिन्मय फिल्ड में बुलूं से लोकों रिएक्शन नौ थे तो यहाँ गोटे राजस्थान को जीवा एत सहज नाला कारण डायरेक्ट फ्लाइट नाला दिल्ली भाया दिल्ली है कि जीवा पड़ता तो वर्तमान पर्यटक कहतु व्यवसायी कहतु जो मैंने श्रद्धा रही अनेक सेठे मंदिर रही जो मैंने जाऊँगी गोटे बड़ खुशी खबर निहाति भाव में कमलाकांत जदि कहीपर भुवनेश्वर को मंदिर मालिनी रूपे कहुए और राजस्थान को गोलापी सहर रूपे कहुए गोटे बड़ संजोगर सुविधा करागला जोटी की मंदिर मालिनी गोलापी सहर को जीवाई गोटे सुविधा सप्ताह को तीन दिन ओडिशावासी जापरेंगे जदि कह रही शिक्षा दक्षता विकास मंत्री श्रीजुक्त धर्मेन्द्र प्रधान गोटे बड़ निष्पत्ति बोध हुए ओडिशार गोटे बड़ व्यवस्था हो पारा जहाद्वारा ओडिशावासी मैंने आराम से बुलाबूली एवं पर्यटन कथा जदि कह बाहर राज्यर पर्यटक मैंने ओडिशा को आसिक मंदिर मालिनी उपभोग करें मंदिर बुली पारे और ओडिशार लोक मैंने आगामी दिन में जदि कह राजस्थान को जापरेंगे बुलाबूली करें पर्यटन शिल्पर गोटे प्रकार विकास होगा गोटे कथापर से आउ गोटे कथा कहते कि डिसेंबर बेलू गोआ को विमान यात्रा आरंभ हम भुवनेश्वर तो यहाँ गोटे बड़ खुशी कथा जदि ओडिशार विभिन्न जगार विमान चलुच्छे तेज ओडिशावासी
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ प्रस्ताव देते जदि जम्मू काश्मीर को भी उड़ाण हो तेज यहाँ गोटे ओडिशावासी मानी गोटे बहुत खुशी कथ जोटि आम पर्यटन विकास करवसायर विकास हो पार कमलाकांत नि चिन्मय आउ गोटे माधुरी आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग था जोटा कि काली केन्द्रमंत्री उठाई थे जे ओडिशार जो दुर्गम अंचल रही सेठारे ड्रोन मध्यम किभली चाष कर जिनस सहजरे पहुँचाई जापर एम आउ गोटे अनुरोध करते केन्द्रमंत्री जे पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से ओडिशा को बछा जाऊ खास करके मलकानगिरी कथा देखा एवं दुर्गम इलाका जो रही सेठारे ड्रोन माध्यम कि भली चाष कथा कहतु एवं आनुषंगिक सुविधा कथा कहतु बा किसी जरूरी सामग्री पहुँचाई यार व्यवहार पर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनुरोध करते देखते चिन्मय यहाँ भी गोटे बड़ पदक्षेप हे जदि कारण गोटेपटे देखु चिठीर अनुरोध को रक्षा कर विमान जात्रा सीधा सड़क बर्तमान ओडिशावासी पाँच लाभ तो बर्तमान जो ड्रोन कथा धर्मेन्द्र प्रधान कहते जदि यह मानि तेज यहाँ आउ गोटे जो ओडिशार दुर्गम इलाका रही मानी गोटे बड़ खुशी खबर आण निहाती भावे कमलाकांत गोटे कथा कही पार जो उपांत इलाका बा दुर्गम इलाका अच्छे जमीक आम कहीपर मलकानगिरी हो बा कंधमाल हो कंधमाल हलदीपी कंधमाल मुख्यतः फेमस जदि जो जो कंधमाल हो बा मलकानगिरी जो उपांत इलाका अच्छे से जो लोक मैंने चाष करते जदि ड्रोन मध्यम से किसी सुविधा सुजोग मिल पार्टी तो से आम गोटे कथा कही पार कि चाष क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में आगक बढ़ी पार्बे ये गोटे बड़ पदक्षेप हो पारापी जो प्रस्ताव देते मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जदि सरकार ग्रहण करती जदि कम कराए जदि कह उपांत इलाक जदि ड्रोन व्यवस्था कराए ड्रोन द्वारा ये चाष क्षेत्र कथा जोटा कहले चाषर कृषि विकास हो पार ये गोटे बड़ पदक्षेप केवल पर्यटन नुहे खुशी सहित समस्त को आकर्षित कला भाई एक खबर आसना को बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय आप तमाम सूचना कौट ना कौटे कमलाकांत आम ये जी आलोचना करवा केवल जे सहरी मान नुह दुर्गम इलाकर जो मैंने भी रोचते फोकस करिसेंते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आसिया परवर्ती खबर को श्रीमंदिर लगे 190 कोटी रा बजेट अनुमोदन करा जाय छि तबे स्थायी जमा 750 कोटी छुइला खणीरु 15 कोटी जमा सुधरु 37 कोटी ओएमसी सह एमओयू 21 कोटी रा बड़का बजेट अन्य एक जति रहि छि सूर्य मंदिर रूपा द्वार दाता को मध्य धन्यवाद जनाइछन्ति एवं श्रीमंदिर डोनेशन संग्रह लागि 7टी स्कीम मध्य करा जायछि ते पूरा जदि खबर पर नजर पकाइबा श्रीमंदिर गुरुत्वपूर्ण बजेट अधिवेशन मंगलवार अनुष्ठित होइ जायछि एथिरे 2021-22 वर्ष लागि बजेट आय व्यय अटकल को श्रीमंदिर परिचालना कमिटी अनुमोदन करिछि चलित वर्ष 190 कोटी टंकार बजेट अटकल करा जायछि आय तुलना रे व्यय एही आर्थिक वर्ष रे कम रहिछि तेज श्रीमंदिर परिचालना कमिटर स्थायी अध्यक्ष गजपति महाराज अध्यक्षतार अनुषित बजेट बैठक में 21 कोटीर बलका बजेट को कमिटी अनुमोदन कर मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार कहते श्रीमंदिर प्रशासन तीनोटी स्थायी जमा पांठि सुध बाबद को मोट 37 कोटी टंकार उपार्जन मिली विभिन्न स्थायी जमा पांठि वर्तमान 670 कोटी टंकार डिपोजिट रही चलित वर्ष विभिन्न स्थायी जमा पांठि आउ 70 कोटी टंका मिसिबो फळरे श्रीमंदिर तीनोटी स्थायी जमार परिमाण 750 कोटी टंका को वृद्धि पाइबो तेबे बाबुद्र अधिक सूचना पाई आम सहित पुरी रो आम रिपोर्टर आलोक आशुतोष जोड़ी रहिछन्ति आलोक श्रीमंदिर लागि चलित वर्ष बा 2021-22 पाई 190 कोटी टंकार बजेट अनुमोदन होइछि प्रथमे त किभले देखुछन्ति हाको निहाती भाव में माधुरी आप जानते गत काली जो श्रीमंदिर परिचालना कमिटर गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होता से बैठक में गजपति महाराज दिव्य सिंह देव अध्यक्षता करते और विशेषकर बैठक में 2021-2022 पखापाखि आम 190 कोटी टंका बजेट को अनुमोदन कर बजेट उपर मोहर मराई ता भितर श्रीमंदिर राजस्व आय 166 कोटी टंका 106 कोटी टंका बेले व्यय अटकल पखापाखि 85 कोटी टंका रही निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण बजेट भी आम कहीपर कारण आप जानते श्रीमंदिर जो तीन गोटी स्थायी
पांठि रही कर्पस फंड हो टेम्पुल फंड हो अथवा फाउंडेशन फंड हो पाखापाखि 37 कोटी टंकार राजस्व मिली और पूर्वर मध्य 600 कहींपर 70 कोटी टंका जमा थिला एवं ताद्वारा आहुरी 70 कोटी टंका वर्तमान मिसिबो अर्थात 750 कोटी टंका श्रीमंदिर स्थायी पांठि वर्तमान रहिबो ताद्वारु मध्य सुध आसिबो एवं बड़ कथा होची आपण जानिछंती आहुरी मध्य गुडाए जिनस मध्य आलोचना करा हेतिला विशेष करी आपण जानिछंती बड़का बजेट 106 कोटी टंका राजस्व आदाय होइतिला एवं 85 कोटी टंका व्ययबराद होइतिला अर्थात 21 कोटी टंका कोटना कोटी बड़का बजेट रे मध्य रहिछि एवं निहत भाबरे ता भितरे जो खणी खादान रहिछि जो राज्य तथा राज्य बाहर महाप्रभु को जो एकर एकर जमी पड़ी रही ता भितर मध्य 60 कोटी टंका मध्य आदाय करा हेछि एवं केवल बजेट उपर आगत करा जाय नै गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होइतिला श्रीमंदिर रे आपण जानिछंती समुदाय 8 द्वार को रूपा छावणी करबा को प्रस्ताव दिआइतिला एहा मध्ये आउ गोटे द्वार को मध्य रूपा छावणी करा जइबो ता हौछि सूर्य मंदिर द्वार सेतिपई जने दाता मध्य 7 किंबा 8 रूपा चादर देइछंती तो निश्चित भाबरे गतकाली जो भली भाबे श्रीमंदिर बजेट को नै कि गुरुत्वपूर्ण बैठक थिला खणी रे मध्य 15 कोटी टंका आसीछि एवं आमे कहि परे व्यय अटकळ रथयात्रा पई स्नान यात्रा पई मध्य अनेक टंकार व्यय बरात करा हेछि तो निश्चित भाबरे जो स्थायी फंडिंग उपर समस्त नजर रहिथिला आपण जानिछंती कर्पस फंड हो फाउंडेशन फंड हो टेम्पुल फंड हो एई तीनोटी फंड रे वर्तमान अनेक टंका 37 कोटी टंका पाखापाखि राजस्व आसीछि अर्थात सुध मध्य आसीछि ता उपरे एवं 37 कहि परबा समुदाय 750 कोटी टंका स्थायी फंड रे वर्तमान डिपोजिट रहिला जहाँकि श्रीमंदिर विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य लगे तो निश्चित भाव में आम कहीपर कौटना कौट गतकाली बजेट उपर समस्त नजर रही है कितना ता भितर सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही है सूर्य मंदिर द्वार को रूपा छावणी करवा कारण पूर्वर मैं अनेक द्वार को रूपा छावणी कराइला केवल सूर्य मंदिर द्वार को रूपा छावणी करागला और निश्चित भाव में 7 कि 8 रूपा चादर जन दाता देते खणी खादान ओएमसी सहित अनुबंधित एमयू कर तो निश्चित भाव में गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग था जो प्रसंग समस्त नजर रही गोटे कथा आसूँ श्रीमंदिर डोनेसन संग्रह लगे 7 स्कीम लागू करोटना कौटी स्कीम जरिया श्रीमंदिर पांठि जमारे अभिवृद्धि घटे आम आशा रखा निश्चित भाव में माधुरी जो भक्त श्रद्धा मैंने वर्तमान ऑनलाइन दान कर हुंडी तो अनेक भक्त श्रद्धा जो मैंने श्रीमंदिर आसुच्च हुंडी में पकाउं कि जो 7 स्कीम लागू वर्तमान तो वेब पोर्टाल ऑनलाइन मध्यम कहींपर लोक मैंने दान करतमान जो 7 स्कीम लागू जहाँ मुख्य प्रशासक डॉक्टर किशन कुमार कहे निश्चित भाव में श्रीमंदिर आय जथेष वृद्धि पाव और जो आय वृद्धि पाव निश्चित भाव में आम कहीपर श्रीमंदिर उन्नतिकरण हो श्रीमंदिर सौंदर्यकरण हो ए तमाम जिनस रु जो 7 स्कीम कर निश्चित भाव यह गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप सबुरी महल में मत प्रकाश काली आलोक आशोष बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अधिक अपडेट दूसरे आम प्रतिनिधि आलोक आशोष तेज मंदिर श्रीमंदिर ओडिशार परिचय तार बजेट पर सारा ओडिशार नजर रही है से प्रमुखतार सब खबर कागज प्राय प्रथम पेज स्थान आज आम आलोचना करूँ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर और खबर अपडेट कौन रही है से नहीं बोध आम आप निकट हस्तगत कराऊ तो कमलाकांत परवर्त खबर पर नजर पक प्रशासन किभली खेल खेलु आ रोगी मैंने किभली हंतसंत होती ए खबर आसूसी खोर्धा जिलूर जन औषधि औषध ना जिलार विभिन्न महल असंतोष प्रकाश पाँच जिला कार्यालय को अनलाइन करने विभिन्न विभाग फाइल जिलापा दफ्तर फेरुवा देखा मिली फल लोकर विभिन्न समस्या दिनकू दिन बढ़िवार लगी रेडक्रस विभाग फाइल फेरवा नहीं और जिला प्रशासन रोगी सहित एभली खेल न खेल विभिन्न महल मत प्रकाश पाई तेरे पूरा घटनाक्रम जहाँ रही खोर्धा जिलापा कार्यालय को संपूर्ण भाव अनलाइन करने को विभिन्न विभाग को निर्देश देते फल जेकोसी विभाग जिलापा कार्यालय को फाइल जीव ताइन मध्यम जातु अफलाइन संपूर्ण भाव अनलाइन करने को किद समय लगे जिलापा जरूरी फाइल गुड़िक अनलाइन होगा पर्यटन अफलाइन कार्य करने आवश्यक हो पड़ी तेज बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित विक्रम आम रिपोर्टर जोड़े रही विक्रम वर्तमान जो खबर क्षमा करेंगे संग्राम होता आम रिपोर्टर आम सहित जोड़े रही संग्राम जो खबर वर्तमान आसुची जे प्रशासन किभली खेल खेलु जो कि रोगी मैंने हंतसंत होती खबर जिला प्रशासन पाखे अच्छे तो निश्चित मात्र देखो जिलापाल नूतन जिलापाल जोगतला कला समस्त विभाग जो फाइल गुड़ रही ऑनलाइन मध्यम करने निर्देश देते जहाँ फल जी गुरुत्वपूर्ण विभाग गुड़ रही फाइल ऑनलाइन जेहतु अफलाइन कार्य दीर्घ वर्ष धरी जारी रही है अनलाइन करने प्रोसेस वर्तमान दीर्घ समय लगुच्छी जिलापा निर्देश रही
सबुगुड़ फाइल समस्त विभाग फाइल गुड़िक अनलाइन करने तेमें धीरे धीरे सब विभाग फाइल अनलाइन प्रथम गुरुत्वपूर्ण फाइल गुड़ रखा तो देखा रेडक्रस कथा रेडक्रस फाइल को बर्तमान सुधा अनलाइन कराए ना रेडक्रस कथा जो अंडर रही जन औषधि कथा केन्द्र सरकार एक गरीब कल्याण योजना भितर जन औषधि योजना आ 430 प्रकार भेरइटर सुलभ दल में लोक मान मेडिसीन उपलब्ध होगा कथा कितु जिला मुख्य चिकित्सा अव्यवस्था रही मात्र 30 प्रकार औषध रही जन औषधि करार लक्ष्य रही जो मान मधुमेह कथा कहतु रक्तचाप भाई अनेक गुरुत्वपूर्ण रोग को सुलभ दल में जेनेरिक मेडिसीन जो कहते जन औषधि मध्यम सुलभ दल में मिल पार कि रेडक्रस फाइल बर्तमान जिलापाल अनलाइन करने प्रक्रिया आरम्भ करते जेहतु अनलाइन बर्तमान सुधा हो पारे ना से जन औषधि संपूर्ण भाव कार्य करना कि जिलापाल निर्देश देते समस्त विभाग को बर्तमान अनलाइन करवाई अनलाइन प्रोसेस जो प्रक्रिया रही डेरी अनलाइन अफलाइन खेल भितर साधारण जनता कहीं सफर हे जो ए योजना करा जाएगी जो औषध व्यवस्था करा जाएगी ऑनलाइन ऑफलाइन खेल भितर रोगी बा जो माने हिताधिकारी रही से कहीं सफर हे से कहीं असुविधार सम्मुखीन हे जदि जिलापाल देखुं ऑनलाइन रे काम हो पारनी तो से जिते जनमंगलकारी राष्ट्र आमर तारि भितर लोकों पर सब सुविधा दि जाऊँगी जदि ऑनलाइन ऑफलाइन खेल भितर जदि रोगी मैंने हंतसंत हे तो योजनार फायदा कौन हे निश्चित सठीक कथा जो अनलाइन अफलाइन कथा बोले जिलापाल जो अनलाइन प्रक्रिया आरंभ करते हैं जो कौटना कौटी जो साधारण लोक अच्छा गरीब लोक अच्छा खटिका दिन मजुरी आस योजना गुड़ कराई तरह वास्तव रूपायन किभर हम सरकारी बाबू मान सरकारी अफिसर मान कार्य होती जेहतु जिलापाल आरंभ करते सरकारी योजना जन औषधि कथा कहतु अनेक विभाग प्रक्रिया जो अनलाइन प्रक्रिया कितु अनलाइन प्रक्रिया बर्तमान सुधा हो पार अफलाइन प्रक्रिया भी कार्यक्रम आरंभ करती जिलापाल ए विषय में गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु ग्रहण कर किभली भाव अनलाइन प्रक्रिया समस्त अफलाइन प्रक्रिया भी कार्य गुरुत्व ना कथा ताफल ही जो गरीब लोक योजना रहे निकट में पहुंची पारा तो समस्त विभाग को फाइल को अनलाइन करफलाइन प्रक्रिया को हटाई दीजिए कौटना कौटी निश्चय योजना गुड़िक वातावरण हम लोक मान सठी पहुंची पारे ना गरीब खटिका दिन मजे निश्चय अवहेलित और विभिन्न अवस्था में पड़ रही है योजना किभ भाव गरीब लोक मात्र पहुंचे से योजना गुड़ वास्तव रूपायन किपर हम से खाली से अनलाइन प्रक्रिया को नक अफलाइन प्रक्रिया कार्य करने आवश्यक जो पर्यटन अनलाइन हो पारे ना अफलाइन कार्य करने का आवश्यक पड़ती जिलापाल ये दिग्वर गुरुत्वपूर्ण नहीं किभ भाव अफलाइन पक्ष कार्य कर गरीब लोक योजना गुड़िक पहुंचे से दिग्वे पदक आवश्यक होती नि बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपंकर तमाम सूचना तबे ये थिले विक्रम आम प्रतिनिधि क्षमा करिबे संग्राम आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ रही थे कि परवर्ती खबर पर जो आम नजर पकाइबा एबे भी चुआपाणी उपरे भरोसा लोकंकर मौलिक समस्या मुख्यतः पानीय जल लोकंकर समस्या रोचे कि समस्या लोके आज भी कौन से उपयोगी पापार ना सरकार किंतु बारंबार कहते जे अनेक किसी योजना करुंट जो मैंने गाँ गहली रोचान जो मैंने दुर्गम इलाक रोचानक किसी योजना करुंट मुख्यतः जो मैंने कि मौलिक समस्या कौन सी समस्या न पड़े से सरकार ध्यान दूसरी एक कहते कि बारंबार प्रत्येक दिन एभली खबर आसूँ जहाँ समस्त को हतचकित कर समस्त को एभली खबर जहाँ सामना आसू समे कौटना कौटी देखी दुख प्रकाश करुवे जे आज भी किभली दयन अवस्था रही आठ तो चुआपाणी लोकंर शोष मेटाऊ खबर आवागाँव तेज जो खबर बर्तमान समय आसी कि गोटे बड़ कथा जे नयागढ़ जिला नुआगाँ ब्लक मालीसाही पंचायत ढीपामाला और चक्का पथर गाँ होचिए एवं फोटो कैप्शन सहित मध्य खबर टी प्रकाश पाई कि चुआपाणी मौसी मैंने नेजर शोष मेटाऊ निज पर समस्त शोष मेटाऊ से ही चुआपाणी से खबर प्रकाश पाई सीधा सड़क जावा आम रिपोर्टर शिवराम आम सहित जोड़ रही शिवराम प्रतिदिन आम देखु मौलिक समस्या अर्थात पानीय जल समस्या बर्तमान गोटे मुख्य समस्या किंतु सरकार तो कहते अनेक प्रकार योजना करुंट कितु योजना सठिक दिगरे कहीं प्रणयन हो पारना देखु गोटे कथा कह जो भाव नयगढ़ जिले में दीर्घ दिन समस्या जिले में दीर्घ दिन धरी वर्ष वर्ष धरी पानी जल समस्या गोटे प्रमुख समस्या है जेहेतु नयगढ़ जिलार विभिन्न आदिवासी और दुर्गम अंचल गाँव रही जो आज जो खबर टी प्रकाश पाई जे नयगढ़ जिला नुआगाँ ब्लक जो रही ढीपामाला ढीपामाला चकापथर गाँ ए दुईट गाँ आदिवासी अधिष्ठित गाँ दुईट गाँव में प्राय 300 अधिक जो आदिवासी संप्रदाय लोक बसवास कर तेबे तेबे दुखर कथा हला जे गोटे गोटे गाँव में 150 लाख लोक परिवार जो बसवास कर 150 परिवार गाँव गोटे मात्र नलकूप रही
ତେବେ ଯୋଉ ଅଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନୁଦାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅଧା ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅଧପନ୍ତରେ ଭାବେ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛି ଚୁଆପାଣି ଲୋକମାନେ ଚୁଆପାଣି ଏବଂ ନଦୀନାଳର ପାଣି ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ 604 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବା ଯାହା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଛି 2 ବର୍ଷ ବିତିଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ଅଧାରେ କାମ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି ତ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ପାଣି ଗୋଟେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ସେବା ତାକୁ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଠିକାଦାର କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାମ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ RWSS ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ପରିମଳ ଜଳ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଯୋଉ ଜଳ ଆଉ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଡେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଏଇ ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିଛନ୍ତି RWSS ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ 604 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ସେଇ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଏଇ ଗାଁକୁ କିଭଳି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କେତେ ଦିନର ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ଲୋକେ ମାନେ ଜୁଝି ହେଉଥିବେ ସାଧାରଣ ପାଣିଟିଏ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମେଗା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନର ସମୟ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ନଳକୂଅରୁ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇକି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦୂରର କଥା ପ୍ରଶାସନ ଯୁଭଳି ଭାବରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଳରେ ଯେହେତୁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ କେବେ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯଦି 2-3 ବର୍ଷ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ତେବେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଏଇ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଘା ନଥିବା ଏ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝା ପଡୁଛି ମାଧୁରୀ ଓକେ ଏତା ସହିତ ଶିବରାମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବା ପରିମଳ ବିଭାଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିଛି ଏ ବାବଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଏଇ 2ଟି ଗାଁରେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ସେତିକି ପାଣ୍ଠି ନ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ କେବଳ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ ଲୋକେ ସେବେ ଜଳ ପାଇବେ ଓକେ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନର ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା କେତେ ବର୍ଷର ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିବ ଆଉ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଟିକାକରଣର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 40ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ପାଳନ ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ 12 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖେଳରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସହ ରେସ୍ଲର ରବି ଦହ୍ୟା ସାମିଲ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଖୋଲତାଡ଼
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 190 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଳକା ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣିରୁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ନ୍ୟାକଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ କମାଲ। ଦୀପାବଳୀ ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମାଟି ପେପର କାଚ ଚୁମ୍କିକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି କଳାକୃତି। ଆବୁଧାବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ମୁକାବିଲା। ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଜରୁରୀ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍। କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପୁରା ଜୋର ଲଗାଇବ କୋହଲି ବ୍ରିଗେଡ୍। ଆଜି ସତେଜ ସକାଳରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ଖବରର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କମଳାକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେଗମେଣ୍ଟ ରଖିଥାଉ ଅତିଥିମାନେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର କମରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ କୁନି ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ ତନ୍ମୟ ଦାସ। ନାଚ ହେଉ କି ଗୀତ, କବିତା ହେଉ କି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସବୁଥିରେ ସେ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ପିଲାବେଳୁ ଟିଭି ଆଗରେ ନାଚିବା ଆଉ ଗୁଣ ଗୁଣ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇବା ପରି ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୀତ ନାଚ କବିତା ପରିବେଷଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ। କେବଳ ଗୀତ ନାଚ କବିତା ନୁହେଁ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଖେଳ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ତନୁଶ୍ରୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନିବେଶ କରି ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ବା ନାଚ ସହିତ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର ବିକାଶ ମହୋତ୍ସବ, କବିତା କଳା ସଂସ୍କୃତି, କଳାକାର ସଂଘ, ପ୍ରତିଭା ପୋଲସରା ଗଞ୍ଜାମ, ପଲିଶ୍ରୀ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସଦ, ରାଧାନାଥ ସ୍ମୃତି ସାଂସଦ ସହିତ ଅନେକ ସଂଗଠନରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥି ତନୁଶ୍ରୀ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଛନ୍ତି ତନୁଶ୍ରୀ ତନ୍ମୟ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ତନୁଶ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି, ଆପଣ ନାଚ ହେଉ ବା ଗୀତ ପାଠପଢ଼ା ସବୁଥିରେ ଆପଣ ବେଶ୍ ପାରଙ୍ଗମ। ତ ଗୋଟିଏ ଗୀତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯଦି ତ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବରେ ନାଚି ବୁଲନ୍ତି, କଳାପଟରେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବରେ ନାଚି ବୁଲନ୍ତି, କଳାପଟରେ ଭୋଗ ପେଟି ଖାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କୋଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ମୁଁ ଯଦି ତୁଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯଦି ତିଏ ହୁଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଯାଇ, ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ସେତେ ମୁଁ କହନ୍ତି ଜଗ ମୋହନରେ ଥାଇ, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଯାଇ, ଯେତେ ଥର ଭୋଗ ସେତେ ମୁଁ କହନ୍ତି ଜଗ ମୋହନରେ ଥାଇ, ଜାଣିଦେଲେ ତମେ ଋଷି ବସନ୍ତି, ହସିଦେଲେ ପାଦେ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି, ମନ ଖୁସି ଥିଲେ ପାଇସେ ପାହାନ୍ତି ଉପର ତଳକୁ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି।
खूब सुंदर तनुश्री आपण तो मुझे देखुली आप गीत भी भल गाच नाच ड्रइंग भी भल कर पाठ सबुति एत कथा केमती कह आम तो ये सब कि भी आसुनी तो स्कूल केमती कौन कहते आ घर केमती कौन कहते जी एत सब कथ आपति जानते शिशु मंदिर गोटे सिल्वर जुबली कंपिटिशन होता से दुई पद कविता बोली दुई पद कविता शुणी मो संगीत शिक्षक बापा कहले झील भल गाऊ संगीत आड़ नि अच्छा कविता अच्छा माधुरी कविता कथा भी अच्छा हाँ ठीक अच्छे कविता कथा भी जो कहते से कथार ही सबकि आरंभ होता तो से कविता मन अच्छे से जो कविता से भल अच्छे से कविता आपन कर एबे भी मने अछि हां मने अछि टिके दुई पद हमहु को सुनाइबो हां जे सुनेबे आपन को वाहि कवि पूरा तमे छे मुरिया भावे खूब सुंदर थी कमलाकांत कविता मध्य जमीक आज आम कौन जे जड़े कुनि प्रतिभा अच्छा आम सहित से नाच गीत सब पारंगम कुनि पैकेज कह दबा पूरा तो अच्छी सब पूरा कुनि पैकेज ओके तनुश्री घरे मामा आपन को गाली करंती ना पापा गाली करंती किए बेसी आपन को भल पाती दे जा मते भल पांदी बेसी केई बाडांती ने आपन को ना के बाडा देने भी तमे एते सब काम करू छे केबे तमे से काम सब हैम्पर केबे हिने जेमते डांस करू छे गीत गाउ छे ता से ता पाठ पढा ए सब किफळी तमे मैनेज करू छे जेमते के मो सहयोगी कमलाकांत पछले किफळी मैनेज करू छे घरे केबे कोति पई आपन को गाली पडिनी ना केबे भी गाली पडेने भी मधुर एते सब कथा करछन के गाली पडियो कहले तो तनुश्री टिके परिवार विषय कह दियो तुम घरे के के अछन आ तुम्हें वर्तमान कोठी पढ़ु छ टिके जो तुम सुनु छन से मान भी टिके जानु त अपन एते टैलेंटेड जियो कोठी पढ़ु छी आ तुम परिवार के के अछन मो परिवार रे बापा मां ओ मु ओडिसा के विद्यालय बालेश्वर रे पढ़ु छी ओके जमती कहले कमलाकांत से बालेश्वर पढ़ुं जेहेतु मु भी बालेश्वर तनुश्री आप जानते बालेश्वर अनेक जन प्रतिभा अच्छा भितर आप जड़े कुनि प्रतिभा अनेक जन कलाकार जमीक आप देखी आम फिल्म दुनिया रे कथा कह जाऊ सिनेमारे अनेक जन बालेश्वर जो मैंने रही प्रतिभा से कम कर आपण कौन लक्ष्य रखिंट तनुश्री आप शुणी पार्टी ओके तनुश्री बालेश्वर अनेक प्रतिभा अच्छा कारण मुझे बालेश्वर अच्छी मुझे जानी बालेश्वर अनेक जन प्रतिभा अच्छा जो मैंने कि सिनेमारे काम करीत गाँव ये कर बड़ बड़ कलाकार आपण कौन लक्ष्य रखिंट लक्ष्य रखी जे बालेश्वर रिसेंटली गोटे ऑडिशन होता सिद्धार्थ टीवी तरफ मुझे टिकेट पाई कटक ऑडिशन पाई
ରେଡି ହଉଛି ଏବେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ କଲ୍ କଲେ ମୁଁ ଯିବି ଓକେ ତମେ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ବି ହେଇଛ ହଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଓକେ ସେଥିରେ ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ଥିଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ସର ଗୀତ ଗାଇବା ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଗୀତ ଗାଇବାରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛି ଓକେ ତ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ ନଥିଲା କେବଳ ଗୀତ ଥିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ କରେନି କେବେ କେବେ କରେ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ବେଶୀ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଓକେ ଗୀତ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ ତ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେଇ ଅଡିସନ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଅଡିସନରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ସେଇ ଗୀତ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ ଖୁବ ଚମତ୍କାର ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତେବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ କବିତା କହୁଛ ନାଚ ଅଛି ଗୀତ ଅଛି ତ ଯଦି ତୁମକୁ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସବୁଥିରେ ଭଲ କରୁଛ ତୁମେ ପୁରା ଅଲରାଉଣ୍ଡର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ କେଉଁଟା ବାଛିବ ଯେ ନା ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଗୀତ ହିଁ କହିବେ ବିଲକୁଲ ତନୁଶ୍ରୀ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ କାହାଠୁ ଶିଖନ୍ତି ଆପଣ ଗୀତ ମାମା ବେଶୀ ଶିଖେ ଓକେ ବାପା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଗୀତ ଗୁଡିକ ମାମା ଟିକେ ମତେ ଶିଖାନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ ଓକେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମାମା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ନାଚ ଗୀତ ବା ଆକ୍ଟିଂ ଏସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ଓକେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ଘରର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ କରୁଥିବେ ତନୁଶ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରିବାନି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓକେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଗୀତ ନାଚ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ମାନେ ଟିଭିରେ ଶୁଣ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ଶୁଣୁଥିବ ତ ଏବେ କିଏ କିଏ ତମର ସବୁ ଫେଭରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବଲିଉଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କାହା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ତ ନାଁ କହିଲ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ
କାହାର ବି ତମକୁ ଯୋଉ ଗୀତଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଏବେ ମନେ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଦେବା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ତନୁଶ୍ରୀ ଗୀତ ତ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ତମର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥିବେ ତ ସେମାନେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ କବିତା କହୁଛ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛ ଏସବୁ ଦେଖି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ ତମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ତା ନାଁଟା ବି ଟିକେ କହିଦେବ। ମୁଁ ଗୀତ ନାଚ ଯେଉଁ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି ତନୁ ତୁ ଭଲ ଗାଉଛୁ ନାଚୁଛୁ କି ତୁ କମ୍ପିଟିସନର ଭାଗ ନେଇକି ଆମ ସବୁକୁ ନାଚ ଗୀତ ସବୁଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଯା ହଉ କହିଦେଲେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଗିଯିବେ ତମ ନାଁ କହିଦେଲ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ରାଗିଯିବେ। ଓକେ ତନୁଶ୍ରୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଓକେ ତନୁଶ୍ରୀ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଅଡ଼ିସନରେ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାପରେ ଆପଣ କଟକ ଅଡ଼ିସନ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ କଟକ ଅଡ଼ିସନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ତ ଜଜେସ୍ ମାନେ କହୁଥିବେ। ଓକେ ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ 5ଟାରେ ଉଠେ ହାରମୋନିୟମ କରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ତା ସହିତ ଗୀତ କରେ ତାପରେ ଗୀତ କର୍ମ ସାରିକି ମୁଁ ପାଠ ପଢା କରେ। ଓକେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୋଧହୁଏ ଆମେ କମଳାକାନ୍ତ ପଚାରିନାହୁଁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଓକେ ମାଧୁରୀ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ବି ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତମକୁ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ସାର୍ମାନେ ପଚାରୁଥିବେ ତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୀତ ତ ନିହାତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯିବେ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ସାର୍ ତ ପଚାରୁଥିବେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଅ? ଖାସ କରି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ନା ଡାକ୍ତରମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ।
तबे तनुश्री कथा में आलोचना करथिले माधुरी जे एते सब टैलेंट रहिछि परिवार सपोर्ट भी निहाति भाबर रहतिबो एते कम बसर एते कथा सब जानुछंती डाक्टर हेबार इच्छा भी रहिछि गीत भी भल गाउछंती रियलिटी शो निहाति तांको गोटे नुआ परिचय भी देबो तो बन देखो जदि टैलेंट रहिछि निहाति एते कम बसर भी आपण आगु को जाई परिबे तनुश्री तन्मय दास जो रही तार गोटे उदाहरण आपण मैंने भी देखिपे से किभली पाठ पढ़ुंता सहित एत कम कम बयस कम समय सब कथ मैनेज कर गोटे बहुत बड़ कथा बिल्कुल पूरा छोट बयस चिंताधारा एकदम तक बहुत ही बढ़िया अच्छे जमीती से आपड़ कहले कि पाठ पढ़ी से डॉक्टर हेबे ता सहित गीत को सांगरे नेबे बा गीत से बेस दुर्बलता रही है जेहेतु गीत प्रति तो गीत गायक से बेस भल पाती आउ कोट ना कोठी आमे मध्ये कमलाकांत आशा रखा जे बालेश्वर अनेक जन प्रतिभा सामना को आसी बिल्कुल ये कुनी प्रतिभा आहुरी उज्जवल हो बोली आमे मध्ये आशा रखा तो बहुत बहुत धन्यवाद चलो जी आज आम सहित अतिथि रही है कुनी प्रतिभा बालेश्वर रही है तनुश्री तन्मय दास नाच हेपा गीत कविता चित्रांकन पाठपढ़ा सबुति से बेस पारंगम एवं आम आशा रखा जे ओलीवुड इंडस्ट्री को आम ओडिशा इंडस्ट्री को आउ गोटे प्रतिभा मिलू बोली आम आशा रखा तो समय सरी सतेज सकाल बर्तमान आम रोचु विदाय दिखता नमस्कार।